कल हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, विमल इंदु की विशाल किरणें। अच्छा। एक कविता है और इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। 2 पद्यांश हमने कल पढ़ लिए थे, ठीक है, समझ भी लिए हैं आपने और उनकी राइटिंग भी कर ली है, शायद डन भी कर लिया है। अब आगे के 2 पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रमा को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। इस पद्यांश में भी वो ईश्वर के ही बारे में बात कर रहा है। ईश्वर के बारे में क्या कह रहा है कवि? कह रहा है तुम्हारा स्मित जिसे भी निरखना है, यानी कि तुम्हारी मुस्कान अगर किसी को परखनी है, कोई तुम्हारी मुस्कान देखना चाहता है ईश्वर की, तो वो देख सकता है चंद्रमा को, यानी कि रात में आसमान में हम चंद्रमा को देख सकते हैं। चंद्रमा को देखकर ही आपको लगेगा कि हाँ, चंद्रमा किसने बनाया? ईश्वर ने। और पूरा चांद एक मुस्कान है, कितना खूबसूरत लगता है रात को चांद अगर हम देखते हैं आसमान में, तो उसका नज़ारा हमें किसकी याद दिलाता है? ईश्वर की। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं, यानी कि जो नदियाँ हैं वो कैसी आवाज़ करती हैं? आवाज़ करती हैं कल कल की, उनका पानी बहती हुई नदियाँ। तो वो कह रहा है कि उसकी नदियों की जो आवाज़ है वो किसकी तरह है? ईश्वर की हंसने की धुन है। आगे दूसरा पैरा पढ़ते हैं। जो तेरी होवे दया तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते हैं पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। कवि कह रहा है अगर तेरी दया हो, दया निधि कहा जाता है ईश्वर को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दया से भरा हुआ है, दयापूर्ण है वो, तो इसलिए उसे दया निधि कहा गया है। हे ईश्वर, हे दया निधि, अगर तेरी दया हम पर हो तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, तो सभी का मनोरथ पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। मनोरथ यानी इच्छा, जो भी आप चाहते हैं अच्छी इच्छाएं, वो सारी ईश्वर की दया होने पर ही पूरी होती हैं। सभी ये कहते हैं पुकार करके, इसीलिए सभी अपने हर मनोरथ पूरा करने के लिए किसको पुकारते हैं? ईश्वर को पुकारते हैं। अपनी हर इच्छाएं हम किससे कहते हैं? अपनी ईश्वर से कहते हैं। और यही तो आशा दिला रही है, और इसी आशा पे हम अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी लाइफ जी रहे हैं। तो इस तरह से, पूरी तरह से कवि ने इसमें अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा को बताया है। ये पूरी ही कविता हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक। आपको इसे अच्छी तरह से, जो आज 2 पद्यांश करे हैं उनकी भी राइटिंग आपको कॉपी पर करनी है, ठीक। ओके, थैंक यू।